नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इन दिनों दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन एस डेलकर संसद में कर रहे हैं अपनी आवाज को बुलंद। साथ ही दादरा नगर हवेली की जो स्थानीय समस्या है उस बारे में देश लेवल पर यह चर्चा चल रही है, और साथ में किस तरह से आने वाले दिनों में इसकी निवारण किया जाएगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन ये रहा वो वीडियो जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से दादरा नगर हवेली की आवाज आज संसद में धूम मचा रही है। पेश है यह रिपोर्ट। मैं सर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये समग्र शिक्षा अभियान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत सर सारे अध्यापकों को जो नियुक्त किया जाता है, उनकी नियुक्ति होती है, वह सारी की सारी सर भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार होती है, और जब उनको नियमित करने की बात आती है तो सर वहाँ का प्रशासन या सरकार उनको नियमित नहीं करते हैं और बताते हैं कि ये तो एक योजना है। दूसरी तरफ सर ये 5-6 साल 10 साल तक ये अध्यापक काम करते हैं और उसके बाद उनको नियमित नहीं किया जाता है, और ये सारी नियुक्ति सर भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार होती है, तो सर उनके साथ तो अन्याय होता है। तो मैं सर सरकार से और खास करके मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कैसे सारे अध्यापक जिनकी नियुक्ति सर समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिशा निर्देश अनुसार हुई है, सारे कानून के तौर पर हुई है, उन सारे अध्यापकों को नियमित करने के बारे में भारत सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने कुछ सोचा है क्या, ये मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। श्रीमान, समग्र शिक्षा अभियान के तहत तो जब हम राज्यों को देते हैं तो ये राज्य और केंद्र का मिलकर के होता है। 60-40% पर करते हैं श्रीमान हम, ये क्योंकि राज्यों का विषय है शिक्षा, तो ये उनको मालूम है कि 60% यदि केंद्र करती है तो 40% उनको करनी है। लेकिन श्रीमान ऐसा जो भी नियुक्ति होती है वो केवल उतने तक ही होती है, तो राज्य सरकार उसको विधिवत, ये भारत सरकार का ये कहना नहीं है कि आप विधिवत उसको नियुक्त मत करिए, वो विधिवत नियुक्त, और बहुत सारे राज्यों ने विधिवत नियुक्तियाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूँ सर आपका। सर मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर उठाना चाहता हूँ। सर हम सारे सदस्य 0 आवर में सर अपने अपने क्षेत्र की गंभीर समस्या को यहाँ रेज करते हैं और सर आप उसको अलाउ करते हैं, लेकिन सर 2017 से हम लोग ये सारे हमारी समस्या यहाँ रेज करते आए हैं, बट सर सरकार की तरफ से ना तो हमें सूचित किया जाता है ना कोई कार्यवाही होती है। जब हम लोकसभा के बाद सर हमारे क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमें पूछते हैं क्या आप हमारे मेंबर हो और आपने लोकसभा में इस विषय को उठाया है तो उसका क्या परिणाम आया, हमें पूछते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मैं सर मेरे आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि 0 आवर में जितने भी यहाँ पर विषय उठाए जाते हैं उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए और सूचित करना चाहिए। सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप भी इस बारे में निर्देश दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और रेलवे मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि सर रेलवे के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ऐतिहासिक काम किए गए हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। सर मैं मुंबई से चलने वाली जो राजधानी एक्सप्रेस है वो जो दिल्ली तक आती है वहाँ से चलती है, उसके बाद सर महाराष्ट्र के बोरीवली में एक रुकती है, बोरीवली से चल करके सीधी वो सर सूरत में रुकती है, बोरीवली से सूरत के बीच में सर करीब करीब 275 किलोमीटर का अंतर है और इसके बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, जिससे कि सर हमारा पूरा एरिया, मेरा दादरा नगर हवेली दमन दीव, उसके बाद सर साउथ गुजरात का बलसार, ये पूर्व महाराष्ट्र, ये सारे लोग सर इस इतनी अच्छी ट्रेन से सुविधा से वंचित हो जाते हैं। और दूसरी बात सर कि ये जो हमारा एरिया है जो मैंने अभी कहा वो सबसे बड़ा सर औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एस्टेट है, मेरा दादरा नगर दमन दीव एशिया में सबसे बड़ा है, तो ऐसी जगह पर हमें ये स्टॉपेज न मिलने से हमारे लोगों को और वहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री है सबको सर इससे भारी नुकसान हो रहा है। तो मेरी सर आपके माध्यम से भारत सरकार से और खास करके रेलवे मंत्रालय से और माननीय रेलवे मंत्री जी से सर ये निवेदन है, ये विनती है कि वापी स्टेशन, इसके बीच में सर वापी स्टेशन है जो अंतर से भी देखा जाए तो बिल्कुल सर वायबल है,
और यात्रियों के नाते भी देखा जाए तो बिल्कुल वायबल है। तो वापिस स्टेशन को सर, ये राजधानी है, उसका स्टॉपेज दिया जाए, ये आपके माध्यम से मैं भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था वो वीडियो जिसे देखकर आपको अंदाजा लग चुका होगा कि किस तरह से दादरा नगर हवेली की आवाज को दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर संसद में उठाए हैं और तमाम चीजों पर बारीकी के साथ उस बातों को वहां तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने सिलवासा न्यूज लाइन से अब तक नहीं जुड़े हैं तो सिलवासा एवं आसपास की खबरों के लिए सिलवासा न्यूज लाइन को सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन पंकज और साक्षी के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन, सिलवासा।